हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन दिस इज साहिल मलिक यूर होस्ट एंड यूर वैंड तो गाइस क्या हमें हमारे डॉग को कर्ड देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं कर्ड हमारे डॉग की बॉडी के अंदर कैसे वर्क करती है आज हम कंप्लीटली इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ऑब्जर्व करना है जो भी में आपको बताऊंगा और अगर गाइस आप हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल चैनल न्यू हो तो को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और गाइज लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना तो गाइज क्या हमें हमारे डॉग को कर्ड देनी चाहिए जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको अपने डॉग को कर्ड जरूर देनी चाहिए बिकॉज कर्ड सेफ होती है आपके डॉग के लिए और गाइज स्पेशली अगर मैं बात करता हूं मैंने बहुत सारे डॉग डाइट प्लान बन की

को इसलिए हमें हमारे पपीज को भी मिल्क नहीं देना चाहिए उन्हें कर्ड ही देनी चाहिए अब गईज एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन जैसे गाइज मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होना होता है यानी जैसे हम जो घर में हम बात, बात बोलते हैं ना कि दही जमा रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं यानी मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन को फर्मेंटेशन कहा जाता है इसमें क्या होता है जो लैक्टिक एसिड होता है वो रिड्यूस हो जाता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से जिसकी वजह से आपकी जो कर्ड है वो डाइजेशन रिलेटेड हो जाती है मतलब इजिली डाइजेस्टिबल हो जाती है तो कर्ड आपके डोग के लिए सेफ रहेगी इजिली डाइजेस्टिबल है आप अपने डोग को भी दे सकते हो भले ही

बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर अगर हम कर्ड देते हैं तो जो मेडिसिन भी वर्क करेगी इजीली बिकॉज कर्ड एक प्रोबायोटिक का, का काम करेगी कर्ड आपके डोग को जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है डोग का उसको स्टिमुलेट करेगी तो ये एक प्रोबायोटिक का भी काम करती है आगे गाइज आपकी जो ये कर्ड है वो एक एंटी फंगल का भी काम करेगी और एंटी बैक्टीरियल का भी काम करेगी आपके डोग के बॉडी के अंदर यानी अगर आपके डोग को किसी भी तरह की फंजाई से रिलेटेड इश्यू है बैक्टीरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपके डोग में अगर आप कर्ड को एड कर रहे हो तो आपके

कर्ड नहीं जो जो एक एक नॉर्मल डोज होती है है, वो देनी है, तो इसकी डोज कितनी होती है अगर मान लो आप अपने डोग को 150 ग्राम डोग फीड दे रहे हो भले ही कोई भी ब्रांड क्यों न हो रॉयल कैन पेडिग्री वगैरह या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं ठीक है थीके? तो उनके साथ आपको एक कप और साथ में हाफ कप यानी वन एंड हाफ कप आपको उसके अंदर दही मिला के देना है ज्यादा नहीं देनी है लेकिन ये मैंने एक टाइम का बताया है अगर आप मान लो आपके डॉग को चार बार खाना दे रहे हो दिन में तो आप चार बार कर्ट दे सकते हो टू एक्सेसिव नहीं होगा तो ये रहेगी इसकी क्वांटिटी यानी हमें कितनी देनी है कितनी नहीं देनी अब मैं बात करता हूं कि क्या हमें ये विंटर सीजन के दौरान भी देनी है नहीं मेरे प्यारे दोस्तों आपको कर्ड को विंटर सीजन के अंदर नहीं देना बिकॉज वे वैसे ही ठंडी होती है और आपके डॉग की बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहना चाहिए रूम टेम्परेचर पे रहना चाहिए लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा बिलो डाउन चला जाता है मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है तो हमें कर्ड नहीं देनी है विंटर सीजन के दौरान विंटर में हमें हमारे डो को गर्म चीजें ही पिलानी है जो मैंने सूप वगैरह भी बताए थे जो लास्ट जो विंटर्स आई थी बहुत सारी वीडियोज हमने विंटर के ऊपर बनाई थी आप वॉच कर सकते हो समर के अंदर बहुत ज़्यादा

आज की जो हमने इन्फो आपको देने की कोशिश की है आपको समझ में आ गई होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत